जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू बायजूस एग्जाम प्रेप। सो गाइस, फाइनली इस सीरीज का आज लास्ट क्लास है एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज इस सीरीज के साथ ही साथ आप अपने बायोलॉजी के वो लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हो जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रेगुलरली पूछा जाता है। ऑलराइट, सो जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गाइस, फटाफट से सेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इफ यू आर न्यू टू अस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ऑफ आवर सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शेखर, संजु, मित्रा, सरीना, आर्यन, गुड मॉर्निंग दीप, राज, सिद्धांत, प्रिंसी, अयान, त्रिवेणी, अतुल, गुड मॉर्निंग। आज तो ऐसा लग रहा है मेरे से ज्यादा एक्साइटेड आप लोग हो। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग स्वास्थ्य, तनु, पुष्कर, अंजलि, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आई होप ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर होगा। एक बार थम्स अप देकर के मुझे फटाफट इंडिकेट कर दो कि मैम एवरीथिंग इज फाइन एंड यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। मैम टुडे इज केमिस्ट्री स्टार्ट। अव्यान, आज बायोलॉजी का ही ना लास्ट वाला क्लास है, यानी हमारी ये जो बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने पांच क्लासेस में पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने थे, उसकी आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज वाली क्लास में ना हम लोग विटामिन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे विथ क्विजेज। ऑलराइट, तो जल्दी से ज्वाइन करो गाइस। इसके पहले आपने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, यहाँ पे हमने सेल के टॉपिक को कवर किया है, टिश्यूज कवर किया है प्लांट और एनिमल दोनों में, देन हमने ह्यूमन बॉडी वाला टॉपिक जो है आपका कवर किया हुआ है, इसके बाद रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल में। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए है सब हमने यहाँ पे देख लिया है, इनके क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं, पूरे के पूरे साइंस से आपके 30 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो कोशिश करना साइंस को ऐसे प्रिपेयर करना कि ये 30 के 30 क्वेश्चन ना आपसे कोई लेके ना जा सके। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मंगल एंड यस मान सिंह, सिद्धि, गुड मॉर्निंग। मैम प्लांट एंड एनिमल किंगडम, पुष्कर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो वाला टॉपिक भी मैं आपको किसी दिन यहाँ पे करवा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये पांच टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। ये अगर आपने पांच टॉपिक कर लिया है गाइस, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस करके आओगे। चलिए, बहुत जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस में लेकर आऊंगी गाइस। क्या कहते हैं, स्टार्ट किया जाए सेशन? ऑडियो वीडियो तो क्लियर है सबको, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद फिजिक्स प्लीज, बिल्कुल मेघा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, डू नॉट वरी एट ऑल। एंड गाइस, एक और आपके लिए न्यूज है कि आज यहाँ पे ना हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। दैट मीन्स कि ये जो आपका सेशन है ये क्वेश्चन के साथ साथ PYQ भी है, तो सीधा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे और जो हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ करेंगे, ठीक है। चलो हैप्पी। एंड गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए, 22 अगस्त यानी ट्यूसडे को रात को 9 बजे मैं वर्कशॉप लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या वो आइडियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके सीरियस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि भाई एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो क्या बात है ना, उसके लिए डेफिनेटली हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। एंड आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ पे हम लोग उसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो सो दैट सीरियस 1/2024 एग्जाम आपकी मुट्ठी में हो और पहले ही अटेम्प्ट में आप अपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लो। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप इस पे रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग 22 अगस्त रात के 9 बजे। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम, आज ऐप पर सेशन, हाँ आज ऐप पर सेशन नहीं होगा अनुज, ठीक है, 11 बजे नहीं होगा। ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन इज इनकरेक्ट,
चलिए बताइए, विटामिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फटाफट से आंसर करो। नाउ वी वांट फोर्थ अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटेजी मैम। भाई अनुज, देखो फोर्थ अटेम्प्ट में तो स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ रिवीजन चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन में कमी है, और कहीं ना कहीं आप उन टॉपिक्स को छोड़ दे रहे हो जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेगुलरली आ रहे हैं। तो जो भी थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो ना गाइज, आप सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपके मार्क्स कट कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई फटाफट आंसर कीजिए। क्या लग रहा है आंसर करेक्ट होगा? बहुत लोगों के आंसर ए आ रहे हैं। ठीक है, चलो हम भी देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जनरली आवर बॉडी सिंथेसाइजेस द विटामिन। लो भैया, ये तो यही गलत हो गया है ना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज हो रहे होते तो क्यों हमें बाहर से इतने महंगे महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद के खाने पड़ते, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन्हीं से तो विटामिन मिलता है, और अगर ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो हमें बाहर से तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, डिफिशियंसी ही नहीं होती हमें विटामिन की। तो यही गलत हो गया। सी बी वाटर सॉल्युबल है, ए की डिफिशियंसी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन। चलिए आज हम लोग विटामिन और हेल्थ डिजीज के क्वेश्चन करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका जो विटामिन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है ना, सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गए। सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। बताइए विटामिन ए डी सी के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। यहाँ पे बताना क्या है यार? अच्छा, गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट वाला यहाँ भी बताना है। क्या लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? नीलू क्या कर रही हो भाई? नीलू और मंगल में क्या फिट क्या चल रही है यहाँ पे? क्या लग रहा है कौन सा आंसर करेक्ट होगा? प्रियांशी कह रही है ए, दीपराज कह रहे हैं ए, कुछ लोग सी कह रहे हैं, और कुछ लोग ए कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में भी एक बार पढ़ लो स्टेटमेंट फटाफट। हिंदी में भी जिनको स्टेटमेंट देखनी है एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। बहुत अच्छे, ए और सी में कांटे की टक्कर हो रही है। चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है ए और सी में। देखो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि विटामिन ए डी सी के आर द फैट सॉल्युबल, ये गलत है। कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है? ए डी ई के, जिसको हम लोग शॉर्ट में कीड़ा से याद करके रखते हैं, राइट? तो ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन की खासियत ये होती है ना कि ये हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं। मतलब बॉडी के किस ऑर्गन में स्टोर होते हैं? लिवर में स्टोर रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो तो यूज कर लेगा, जो एक्स्ट्रा होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि भाई सी तो आपका वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सेस अमाउंट सिंपली पास थ्रू, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लीवर में स्टोर हो जाते हैं। तो यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। ऑप्शन में देखो कि आपको पहला और दूसरा ऑप्शन ए ही मिल रहा है। ए आंसर जिसने दिया है उन सबका सही है। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं एज जल्दी एज कंपेयर टू फैट सॉल्युबल। विटामिन बी एंड सी जो वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर के साथ हर दिन हमारी बॉडी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसीलिए हर दिन हमें विटामिन डी और सी अपने डाइट में लेनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया कौन से विटामिन आपको डेली चाहिए? बी एंड सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हिच वन ऑफ द फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट विटामिन। अब बताइए यहाँ पे विटामिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? चलो मैं आंसर देती हूँ फटाफट, सब लोग चैट में आंसर करो। मैम मैंने तो फैट सॉल्युबल वॉल पे लिख रखा है। अरे मंगल बहुत बढ़िया, एक कीड़े का डायग्राम भी बना देती तब भी याद हो जाता कि भैया कीड़ा यानी फैट सॉल्युबल। सयाली ढेपे, चलिए गाइस फटाफट आंसर करिए। मैम गाइस शेयर द क्लास एंड लाइव।
बिल्कुल यार, कौशिक के साथ मैं भी हूँ। थैंक यू कौशिक भाई, जिन लोगों ने क्लास को शेयर एंड लाइक नहीं किया है एक बार कर दीजिए, है ना। ये सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कर देना होता है। चलो, एंड मैम प्लीज शेयर द पीडीएफ ऑफ ऑल द क्लासेस ऑन टेलीग्राम। बिल्कुल चैतन्या, लाइक ये जो हमारी सीरीज एंड होगी ना, इसके बाद मैं आपको जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, monica.singh से। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां से ले लेना, ठीक है। बताइए विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट विटामिन, क्या आंसर आ रहा है। बहुत लोग सी के साथ जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है सम विटामिन एक्ट एज हार्मोन, बिल्कुल करेक्ट है। कौन मुझे बताएगा कि कौन सा वो विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, जल्दी से बताओ मुझे। ये बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। बताओ बताओ फटाफट बताओ, कौन सा वो विटामिन है जो फैट हार्मोन की तरह काम करता है। वेरी गुड, विटामिन डी गाइस आपके हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। पेलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन इज नियासिन, तो हमारी जो पेलेग्रा है वो नियासिन की डिफिशियंसी से होती है, ये भी करेक्ट है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। देखो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, ये बफर की तरह भी काम करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे प्रोटीन्स एंजाइम है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ ये स्टेटमेंट होती कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं बट सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। के आपका फैट सॉल्युबल है, तो भाई सी वाले करेक्ट हो जाइए। सब लोग कॉलर अपना ऊंचा कर लीजिए, आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, आज संडे है ना, संडे को क्लास हो रही है, तो कोशिश करो कि सभी लोग है ना करेक्ट आंसर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियल पैथोजन। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि बैक्टीरियल पैथोजन से कौन सी बीमारी होती है, एड्स, कोविड-19, डेंगू या फिर टाइफाइड। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना गाइस, आपको कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। याद कर लो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉजेटिव एजेंट पूछे जाएंगे यानी कि कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कॉज कराता है। दूसरा आपको पैथोजन्स के नाम पूछे जाएंगे, जैसे कोई बीमारी बैक्टीरिया कर रहा है या वायरस की वजह से होता है। और तीसरा जो है वो आपसे वेक्टर पूछा जाता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कौन कर रहा है। तो ये तीन वो पोर्शन है जहां से आपको डिजीज में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए भाई ये तो सब करेक्ट दे रहे हैं हमारे मिस्टर साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर कॉज करते हैं साल्मोनेला टाइफी, और ये जो मिस्टर साल्मोनेला टाइफी हैं ये बैक्टीरिया होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये जनरली वाटर में होते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो कॉन्टेमिनेटेड पानी पी लिया जिसमें साल्मोनेला टाइफी है, तो आपको टाइफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो जल्दी जल्दी इन सब के भी नाम बता दो। एड्स, सबसे पहले तो एड्स कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, ठीक है। उस वायरस का क्या नाम है, HIV, ठीक है। दूसरा कोविड-19, हम सभी का चहेता प्यारा कोरोना वायरस, है ना, इसे हम कभी भूल नहीं सकते लाइफ में। एंड डेंगू फीवर गाइस आपका कॉज करता है डेंगू वायरस, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लो कि ये भी वायरल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट, ओके ये थोड़ा सा ऑप्शंस, ऑप्शन डी में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा इश्यू होने वाला है। मैं ना ऑप्शंस लिख देती हूँ। ए का है 4, बी का है 6, सी का है 3, ठीक है, डी फॉर 2, ई का है 5, एफ का है अगेन 6, जी का है 7, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आई एम श्योर कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने डी वाले ऑप्शन को ऊपर लिख दिया है। आप लोग इनको मैच करिए और बताइए कि किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। हो जाएगा सबसे,
चलिए भाई, बहुत सारे लोग सी के साथ जा रहे हैं। लेट मी सी क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो सभी सी के साथ जा रहे हो, ठीक है, चलो हम भी देख लेते हैं सी के साथ जाके। लेकिन सबसे पहले विटामिन सी। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने एलिमिनेट कर लिया क्या? वेरी गुड, तभी मैंने कहा कि इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे हो गया आपसे। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है ये, तो मतलब मुझे लगता है बच्चों बच्चों को पता होगा सबसे पहले, है ना। तो ए का आंसर आपका हो गया टू। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स, ठीक है, बच्चों में होती है रिकेट्स और बड़ों में होती है ऑस्टियो मलेशिया। तो ये आपका बी का फाइव बिल्कुल करेक्ट है। देन सी, विटामिन बी ट्वेल्व। बी ट्वेल्व से आपको होता है कमी से परनीशियस अनीमिया, ये भी करेक्ट है। फोलेट, जो आपका फॉलिक एसिड होता है गाइस, फॉलिक एसिड की कमी से होगा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। बी थ्री की कमी से होगा पेलेग्रा, दैट इज योर नियासिन। बी टू, आपका जो बी टू है दैट कॉजेस चीलियोसिस, और बी वन कॉजेस बेरी बेरी। तो मुझे तो लगता है इतना दूर आप बढ़े ही नहीं होंगे, आप लोग सीधा ए वाला आंसर देखे होंगे, विटामिन सी टू, ए का सिर्फ टू इसी में है, तो बस लगा दो आंसर। ऐसे ही आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हो, लेकिन एक बार पूरा रीड कर लिया करना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग आई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं इजी पैक कर देती हूँ, और इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा। ये जो अभी सीएपीएफ का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, याद आ रहा है सबको, पेपर देखा होगा तो। चलिए जी, हाँ, ये गलत होने पे पाप लग सकता है, ध्यान से सब करेक्ट देना, ये गलत होने पे पाप, और इस पाप को तो आप भूल भी नहीं सकते हो। चलो बहुत अच्छे, सचिन, प्रियांशी, अंजलि, मेघा, निर्मल्या, मंगल, सरीना, सब करेक्ट आंसर दे रहे हो। अरुण कुमार, ओजस, इम्पैक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, पापी क्वेश्चन, वेरी गुड। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपके विटामिन के का होना बहुत जरूरी है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और ब्लड क्लॉट हमारे ब्लड के कौन से कंपोनेंट करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट कराना, और अगर के की डिफिशियंसी हुई तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज हॉर्मोन। अब यहाँ पे बताइए कौन सी वो विटामिन है जो हॉर्मोन की तरह काम करेगी। जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन में इस सेशन को देख रहे होंगे ना, वो तो ये क्वेश्चन पक्का कर देंगे। अखंड पाप लगेगा और गरम कढ़ाई में तले जाओगे। अरे बाप रे सिद्धार्थ, तुमने तो मतलब ऐसा बोल दिया कि जो गलत करने भी जा रहा होगा वो भी नहीं करेगा। पाप तक सही था, वो कढ़ाई में तले जाने वाला मतलब थोड़ा ज्यादा था। चलिए भाई, ये तो बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स की तरह भी काम करती है। ये विटामिन जो है हमारे स्किन में सिंथेसाइज भी होती है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वो विटामिन है जो हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में सिंथेसाइज होती है। विटामिन डी। विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम आपको चाहिए, वो एंजाइम हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही सनलाइट, जो सुबह की सूरज की किरणें जैसे ही हमारे स्किन पे पड़ती है ना, वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और विटामिन डी का हमारे स्किन में सिंथेसिस कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो, Which of the following vitamin is good for bones? पहली बार मुझे ना खुद पे प्राउड हो रहा है कि मैंने वो पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया जिससे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए भाई, नरक का मेन्यू कार्ड, ओ माय गॉड, लाते कहां से यार ऐसे ऐसे मतलब। चलिए भाई, फटाफट आंसर बताइए। विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन इज गुड फॉर बोन्स। हड्डियों के लिए कौन सी विटामिन अच्छी होती है? इसमें भी गलती नहीं होना चाहिए। ऑल राइट ऑल राइट, विटामिन ई। बेटा विटामिन ई है ना, खूबसूरती के लिए होती है, ठीक है। विटामिन डी जो होते हैं ये हमारे बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। क्यों ये अच्छे होते हैं आपको रीजन पता है?
ये जो विटामिन डी है ना, ये हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। क्योंकि देखो, हमें पता है कि हमारा जो बोन है उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है, कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है, राइट। अब विटामिन डी क्या करता है, हमारे ब्लड में से कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसीलिए विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है कि बच्चों में होती है रिकेट्स की बीमारी, जो उनके लेग्स होते हैं वो बो लेग हो जाते हैं, बो शेप के, और बड़ों में हो जाता है ऑस्टियो मलेशिया, जहां पे बोन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई जो है, ये आपके ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं, एंड विटामिन ई आपकी खूबसूरती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखते हैं, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं। विटामिन सी आपकी गाइज एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी में। और विटामिन बी12 तो आपने देखा ही कि इनके एब्सेंस से, इनकी डिफिशियंसी से आपको अनिमिया होता है, परनीशियस अनिमिया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इंफेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स। बताइए यहाँ पे कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स कौन कॉज कराता है? मैम, इफ समहाउ क्वेश्चन इज रॉन्ग इन पेपर देन व्हाट शुड वी डू? श्रीपाल, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत पूछ रहा है ना, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि उसके नंबर मिल जाते हैं, ये बेस्ट थिंग होता है, ठीक है। चलिए, एंड विवेक सबको ही चाहिए होता है। अरे भाई, क्या तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो? बताइए भाई, इसका क्या आंसर होगा, कौन सा वो वायरस है जो स्मॉल पॉक्स कॉज कराता है? आपने सुना होगा ना, छोटी माता आ गई, जनरली यूज करते हैं लोग स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए, बड़ी माता, छोटी माता, लाइक दैट, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो स्मॉल पॉक्स है ना, ये वायरल डिजीज होता है और ये काफी डेंजरस होता है, चिकन पॉक्स से भी ज्यादा डेंजरस आपका ये स्मॉल पॉक्स होता है, एंड इसको कॉज करता है वेरियोला वायरस। तो बी आंसर जिसने दिया है, कवलप्रीत, नूर हक, प्रिंसी, त्रिवेदी, प्रहलाद, ये सबका करेक्ट है, वेरी गुड। कौशिक छेत्री, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होते हैं, ये आपके चिकन पॉक्स कॉज करते हैं। तो ये दोनों वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एस्परजिलोसिस फंगल डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारे एस्परजिलोसिस हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं? अरे सिद्धार्थ, चलो क्वेश्चन कर लो पहले। बताइए गाइस, एस्परजिलोसिस जो कि एक फंगल डिजीज है, वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? हमारे दिल को, हमारे लंग्स को, हमारे आईज को, हमारे लिवर को? बहुत अच्छे, ये तो सब लोग करेक्ट बता रहे हो। एस्परजिलोसिस जो है, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ फंगस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई टिटनस डिजीज? अब जल्दी से बताइए, टिटनस की बीमारी, आपने सबने सुने कि टिटनस के इंजेक्शन आप सबको लगते होंगे, है ना। तो टिटनस की बीमारी से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? लंग्स, नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिटनस से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं आपके एग्जाम में। करेक्ट सिद्धार्थ सकलानी, वेरी गुड गाइस, सब करेक्ट दे रहे हो, भोला सयानी, लगता है सबको टिटनेस का इंजेक्शन लगा है। कितने लोगों को टिटनेस का इंजेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू? टिटनेस के इंजेक्शन किसको किसको लगे हैं? आई एम श्योर कि बचपन में सबको लगे होंगे टिटनेस का इंजेक्शन, है ना। तो देखो गाइस, ये जो टिटनेस की बीमारी होती है ना, ये आपके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है ये टिटनेस की बीमारी? क्लॉस्ट्रोडियम, क्लॉस्ट्रोडियम टिटैनी, ठीक
ठीक है, तो ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया है जो टिटनेस कॉज करता है। जनरली ये जो टिटनेस के बैक्टीरिया होते हैं ना, ये आपको सॉयल में मिल जाते हैं, या फिर जो हमारे रस लगे हुए, जंग लगे हुए मेटल्स होते हैं ना, वहां पे आपको ये मिलते हैं। तो इसीलिए आपने बचपन में सुना होगा कि लोहे से अगर चोट लग गई है तो फटाफट जाके टिटनेस का डॉक्टर इंजेक्शन लगाते। क्यों? क्योंकि उन सब जगह पर आपके ये टिटनेस के बैक्टीरिया बैठे होते हैं, और जैसे ही आपको वहां पे कट लगता है, इंजरी होती, ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आपके एंटर करते हैं। और कौन सी बीमारी कॉज करते हैं, ये कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करेंगे, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टिटनेस की बीमारी को हम लोग लॉक जॉ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लॉक जॉ डिजीज, हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा स्टिफ हो जाता है टिटनेस की बीमारी में। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? सबको लगा है ना? अरे मुझे भी लगा है, जवानी में भी लगा है। बहुत बढ़िया, देखो लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए, चाहे जवानी में लगे चाहे आपको बचपन में लगे। ठीक है, मैम 1 महीने पहले ही लगा था मुझे। चलिए कोई नहीं, लगना चाहिए बस। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, लॉक जॉ डिजीज कहते हैं इसको। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है सब चिट चैट करने के मूड में है ना, पुष्कल मंगल, सबको पता है कि आज जो है लास्ट क्लास है, बातें कर लो जितनी बातें करने। एस्कैरियासिस इज द डिजीज ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड इज कॉज्ड बाय, कर लो बातें करने में कोई इशू नहीं है, बस क्वेश्चन के आंसर पहले करेक्ट दे दो। ठीक है, बताइए एस्कैरियासिस जो बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है? टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म? त्रिवेणी आपको नहीं लगा है? लगवा, अच्छी बात है नहीं लगा तो, बट एक बार देख लेना। क्या लग रहा है भाई? करेक्ट आंसर सकलानी, सिद्धार्थ सकलानी, एक बार चेक कर लो। बाकी करीना, हर्षित, प्रियांशी, सयाली, मेघा, सचिन, सब सचिन आपका एक बार देख लेना, बाकी तो सब करेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, एस्कैरियासिस जो बीमारी होती है ना, ये आपके कौन कॉज करते हैं गाइस? राउंड वॉर्म। और उस प्यारे से राउंड वॉर्म का क्या नाम है? एस्कैरिज लुम्ब्रिकॉइड। ठीक है, इनका नाम है एस्कैरिज लुम्ब्रिकॉइड। ये एस्कैरिज लुम्ब्रिकॉइड, आपको पता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब ये पूरा टोटली टशन में होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। और जो फीमेल होती है ना, वो आपके मेल से ज्यादा लंबी होती है। पहचानोगे कैसे कि कौन मेल है कौन फीमेल है? तो जो फीमेल्स होती है ना, उनकी पूंछ जो होती है ना, ऐसे कर्व होती है, घूमी हुई होती है पीछे से टेल, तो उससे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है। जनरली ये जो एस्कैरिज लुम्ब्रिकॉइड्स हैं, ये इनके एग्स जो होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है। और ये एग्स सॉइल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब आप कहोगे मैम फिर तो हमें होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो सॉइल ही नहीं खाते हैं। तो बेटा ये सॉइल ऐसा नहीं है कि आप जमीन से एक चम्मच सॉइल उठाया, खा लिया और एस्कैरिज अंदर गया, ऐसे नहीं। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप खाते हो, मार्केट में मिलता है ना, बिना धुले, जैसे मार्केट में गए कहीं पे गाजर दिख गया कि अरे वाह चलो गाजर है, भैया से लेने से पहले होता है ना कि हम लोग टेस्ट करते हैं जबरदस्ती देखने के लिए मीठा है कि नहीं, तो उसी में वो एस्कैरिज जाते हैं क्योंकि वो वॉश्ड नहीं हुए और आपने खा लिया। तो इसीलिए जो भी फ्रूट वेजिटेबल लीजिए, उनको पहले अच्छे से मिनरल वाटर से वॉश करिए, तो इनकी चांसेस कम होंगी। यूजुअली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये बीमारी होने का बहुत चांसेस होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं बेसिकली, राइट? इनके एग जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, ट्रेवल करते करते ये आपके माउथ में आ सकते हैं, नोज में आ सकते हैं, ब्रेन में पहुंच गए तो फिर आपकी सडन डेथ होगी। और इमेजिन करो कि आपके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों एग पहुंच गया तो क्या होगा, है ना? मेल और फीमेल दोनों एग पहुंच गए तो क्या होगा, वो इमेजिन करते रहना अब आप लोग। चलो नेक्स्ट, इन ह्यूमन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज? अब बताइए इनमें से सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है? फेनिलकीटोनूरिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, एल्बिनिज्म? मैम आपकी फ्रेंड, अरे वाह प्रिंसी तुम्हें याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फैमिली बन जाएगी, नूडल्स बन जाएगा, बस यही तो सुनना था मुझे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सब।
बहुत डेंजरस होता है यार, इसीलिए कभी भी कुछ भी बाहर से ला के खाओ ना तो उसको अच्छे से पहले वॉश वूश कर लेना। चलो, करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट सबने दिया यहाँ पे। साइंस आर्यन, इति शर्मा, कंचन, प्रियांशी, त्रिवेणी, ओजस, मंगल, हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, इनको याद रखना। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिजीज होंगे। आपकी निसेरिया गुनोरिया भी, जो गुनोरिया डिजीज होता है वो भी आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। चलिए, कौन से वो बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करेंगे। वेरिसेला जोस्टर, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब आप कहोगे मैम ये इतने प्यारे प्यारे नाम आते कहाँ से हैं, तो फॉरेन घूम के आते हैं ना ये लोग, इसीलिए फॉरेन से आते हैं, इसीलिए इनके नाम भी फॉरेनर टाइप के ही होते हैं। नहीं तो अगर इंडिया में इनकी उत्पत्ति होती ना तो इनका नाम राम, सीता, गीता, मीता, ये सारे नाम होते इनके, राइट? फिर हम लोग पढ़ते कि भाई सीता बैक्टीरिया में ये वाली डिजीज कॉज करती, बट चूंकि ये फॉरेन से आए होते हैं ना इसीलिए इनके नाम भी ऐसे ही होते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है एंड ह्यूमंस की बॉडी में ये टाइफाइड डिजीज कॉज करते हैं, राइट? वेरिसेला जोस्टर आपके वायरस हैं जो कि चिकन पॉक्स कॉज करते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बेंसी आपके प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ है जो कि बेसिकली हमारे जो हमारा डिजीज होते हैं ना, स्लीपिंग सिकनेस वाली डिजीज, ये कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम हमें पता ही है, ये भी प्रोटोजोआ है जो कि आपका मलेरिया कॉज करते हैं। मैम इट्स नॉट डिजीज। हाँ ठीक है, 3 गुना लगान लेते हैं हम लोग ऐसे नाम पे, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, बताइए। डर्मेटाइटिस, कॉलरा, जॉन्डिस और इंडिगो फेरा, कौन से वो फंग, इसमें से कौन सा वो डिजीज है जो फंगस से होता है। रीना टीना हो सकता है, सुपनखा, त्रिजड़ा, त्रिजड़ा और राइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे नाम ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं ना वो रामायण वाले जो सारे राक्षसों के नाम थे। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिंदी में देखो, मत ही देखो हिंदी में, पता नहीं क्या क्या है। चलिए भाई, क्या आंसर लग रहा है बेटा इसमें से बताना है। फंगस से होने वाली बीमारी, फंगस से होने वाली बीमारी। ओके, वेरी नाइस, सब करेक्ट, अब सब करेक्ट दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डर्मेटाइटिस बेटा हमारा स्किन रिलेटेड डिजीज है जो कि फंगस से होता है। कॉलरा तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है जो कि विब्रियो कॉलरी से होता है, ठीक है। एंड जॉन्डिस भी हमारा जो डिजीज है ना, ये आपके एक तो हमारा ये सेक्स लिंक, सॉरी हमारे जो लीवर है ना उनकी वजह से होता है। हमारे हीमोग्लोबिन में जब बाइल ब्लड में जब लीवर से बाइल जूस निकलता है और हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है तो ये जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली जॉन्डिस कई सारी बीमारियों के सिम्टम्स भी होते हैं। और ये जो हमारे इंडिगो फेरा है ना, ये बेटा ये हमारे फ्लावर का नाम है, ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, चलिए। स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाय। अब बता दो भाई फटाफट, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कौन कॉज करता है। अभी अभी मैंने उसका नाम आपको बताया था, तो ये फिर से आपका वो पाप देने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कर लिया। हाँ, येलो स्किन हो जाता है, करेक्ट, जॉन्डिस में। हाँ बिल्कुल, वो प्लांट ही है मंगल। ऑल राइट,
चलिए भाई, सदैव टेंशन सब दे रहे हो, ये तो बिल्कुल सही दिया आप सभी ने। त्रिपैनो दोमा, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहना। एंड गाइस, अभी तक आप में से जितने लोगों ने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है, एक बार कर दो फटाफट, है ना। उसमें ज्यादा मेहनत कुछ नहीं लगेगी, बस ऊपर एक बटन होता है उसको क्लिक कर देना होता है। ट्रिपैनोसोमा आपका वो प्रोटोजोआ है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एक क्वेश्चन और यहीं से निकल निकल के आ रहा है मेरे से, जल्दी बताओ ट्रिपैनोसोमा को हमारे बॉडी के अंदर तक पहुंचाने वाला वेक्टर कौन है? जल्दी से बताइए ट्रिपैनोसोमा वाले वेक्टर कौन है? सारे मचा देते, अरे कोई नहीं, मतलब यहीं पे मचा दो, ऐसे क्या है, यहाँ पे कमी है क्या? फटाफट सब यार करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए भाई, मुझे जल्दी से बताइए उस वेक्टर का नाम जो कि ट्रिपैनोसोमा को हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड, दीप राज ने सबसे पहले आंसर दिया है, टेस्टिस फ्लाई। अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड, मेघा, टेस्टिस फ्लाई। ठीक है, तो याद रखना ट्रिपैनोसोमा टेस्टिस फ्लाई जो वेक्टर है वो आपके इधर उधर पहुंचाते हैं, मतलब बॉडी तक पहुंचाते हैं हमारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटियासिस? ओके, आपको बताना है कि एलिफेंटियासिस बीमारी कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन गाइज आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एंड जो आपको डिजीज वाली नोट्स दी गई है उसको पढ़ लेना। आई एम श्योर कि क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आएगा, और डेफिनेटली आप करके आओगे। हाँ, तो चैतन्य वो इसीलिए तो किया जाता है ना कि आपका एक लेवल सेट हो जाए, ताकि उससे उससे टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर उससे इजी ही आएगा, उतना भी आएगा तो आप कर जाओगे, इजी वाला आएगा तो आप कर ही जाओगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छे करेक्ट बता रहे हो सब। वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, तो ये एलिफेंटियासिस जो बीमारी है इसका दूसरा नाम फाइलेरियासिस भी है। ठीक है, फाइलेरियासिस नाम भी इसको कहा जाता है, और ये हथिया पाव के नाम से भी जाना जाता है। तो वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी इनको कॉज करते हैं, और इनको पहुंचाने वाले जो वेक्टर हैं वो आपके क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं जो आपके ये वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी को लेकर के हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। एड्स कॉज्ड बाय अ वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो एड्स कॉज करने वाले वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत, याद रखना सभी लोग। वेयर डू वी गेट पीडीएफ ऑफ दिस सेशन? प्रहलाद, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, monica.sing से आप मुझे ज्वाइन कर लेना चैनल को। ठीक है, आप टेलीग्राम पे अगर मुझे टाइप करोगे ना monica.sing से, मैं मिल जाऊंगी, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। वेरी गुड, तो सभी ऑलमोस्ट करेक्ट बता रहे हो। एड्स गाइस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एंड इसको कॉज करने वाले वायरस हैं एचआईवी वायरस, जो कि हमें पता है कि इनके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल और ऊपर इनके अंदर होता है प्रोटीन कोड। तो एचआईवी वायरस जो होते हैं इनमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वेरी गुड। Which one of the following is a water-borne disease? कौन सी वो बीमारी है जो वाटर से होती है, लाइक कंटामिनेटेड वाटर हो गया, या वाटर बॉर्न डिजीज है? जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, रेबाइका, अर्थराइटिस। वाटर बॉर्न डिजीज, चलिए ऑल राइट। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर सब लोग, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। बेटा ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये आपके बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोई। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोई होते हैं ना, ये बैक्टीरिया जो है ये एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। तो याद रखना कि अगर आपके बॉडी में टीवी के बैक्टीरिया है और आपने छींका, तो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स निकले ना, उसके अंदर एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं वाटर बॉर्न।
अर्थराइटिस हमें पता है कि ये आपकी जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है। रेबाइका बेटा ये मेडिसिन का नाम है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो बचता है आपका जॉन्डिस, तो यू कैन से दैट कि जॉन्डिस आपका एक वाटरबॉर्न डिजीज है। तो देखो क्वेश्चन को ना आप लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट। अब जल्दी से बताओ हैजा कॉलरा के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये एक बीमारी है दैट कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी। कॉलरा इज अ डिजीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। कॉलरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। इट इज अ जेनेटिक डिजीज। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सब लोग। हर्षित, भोला, सिद्रा, सिद्धांत, अव्यान, त्रिवेणी, स्वास्तिक, भाई इस क्वेश्चन का तो आंसर मतलब सबने मचा दिया है ना, मंगल की लैंग्वेज में मचा दिया इसमें। वेरी गुड। सो गाइस करेक्ट आंसर है आपका सी, कॉलरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉलरा को कॉज करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलरी। ठीक है, विब्रियो कॉलरी कॉज करते हैं और ये पानी और फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मुझे जल्दी से बताओ आज 20 आउट ऑफ 20 किसने स्कोर किया है? जल्दी जल्दी अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए गाइस, क्योंकि इसी के साथ आज आपका बायोलॉजी का सीरीज का होता है अंत। जिन्होंने ये सेशन पूरे नहीं देखे हैं, सेशन 1 से लेके सेशन 5 तक आपको यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है। सारे सेशंस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोग इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। ठीक है, एंड कोई डाउट होता है आप मुझे वहां पे भी शेयर कर सकते हो। मीनवाइल सीरियस 1 2024 के लिए आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किए हो तो कर दो गाइस, बहुत कंपटीशन है। एंड 12 मंथ वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा बिकॉज अभी आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट फ्रॉम 11,200। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन है आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हो बिना किसी को कॉल किए हमारे वेबसाइट पे जाके, और अगर वहां पे आपको कोई इश्यू आता है तो आप इस नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हो। सो आउट ऑफ 20 किसने 20 आउट ऑफ 20 लिया है भाई? सरीना के 18 है, प्रहलाद के 18 है, अंजलि के 19 है, मंगल के 19 है, पुष्कर 20 आउट ऑफ 20, वेरी गुड। अव्यान 16, कुमार कंचन 16, इति 11 बजे नहीं होगी क्लास। देन 16, 17, क्षेत्री, प्रिंसी, ऑल राइट, तनु 20 आउट ऑफ 25, त्रिवेणी क्या बात है, प्रहलाद, ओके। सो गाइस सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। फर्दर आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट होता है आप लोग मेरे चैनल से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, क्लास की फर्दर लिंक्स होंगी आपको मैं इन्हीं चैनल्स पे शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, सो विद दिस थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे साइंस के नए सीरीज के साथ।